अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल रहमान टीवी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी गांव में अब्बास अपने माँ बाप और बहनों के साथ रहता था। वो बहुत ही नेक, समझदार और ईमानदार लड़का था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। अब्बास इस गांव के चौधरी की ज़मीन पर काम करता था। चौधरी बड़ा ही कंजूस था। वो अब्बास को काम के बदले थोड़े से पैसे देता, जिससे इन लोगों की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती। वो जनवरी की एक सर्द शाम थी। अब्बास खेत में अकेला काम कर रहा था। सब किसान अपने अपने घर जा चुके थे। अब्बास ने ये सोचकर काम बंद नहीं किया कि चलो थोड़ा काम है, आज ही मुकम्मल कर लूँ। थोड़ी देर बाद सारा काम ख़त्म हो गया। अब्बास सामान बांध रहा था कि दूर से रेल के आने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ करीब होती जा रही थी। अब्बास ने सोचा, चलो आज करीब जाके रेल देख लें। वो वहाँ पहुँचा तो ये देखकर परेशान हो गया कि रेल की पटरी बीच से टूटी हुई थी। अभी रेल कुछ दूर थी। इसने सोचा, रेल में पता नहीं कितने मुसाफिर सवार होंगे, उनकी जान को ख़तरा है। ये सोचकर अब्बास भागता हुआ ऊपर चढ़कर आवाज़ें देने लगा, रेल की पटरी टूटी हुई, रेल को रोको, रेल को रोको। रेल के ड्राइवर ने जब ये आवाज़ सुनी तो जल्दी से रेल को रोक दिया और बाहर आकर पूछने लगा, क्या बात है लड़के, रेल क्यों रुकवा दी? तुम्हें पता है इस रेल में वज़ीर आला की वालिदा भी मौजूद हैं। ड्राइवर ये कहकर चुप हो गया तो अब्बास ने बताया, अरे चाचा जी आगे रेल की पटरी टूटी हुई है। अगर मैं वक्त पर नहीं बताता तो आज इन लोगों की जान जा सकती थी। देखिए इस रेल में कितने मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं। मेहरबानी बेटा, तुमने हमारी जानें बचा ली, ड्राइवर चाचा ने कहा। नहीं चाचा, ये तो हमारा फ़र्ज है। अच्छा बेटा, आपके वालिद का क्या नाम है? मेरे वालिद का नाम ग़ुलाम मोहम्मद है। अगले दिन अब्बास खेत में काम कर रहा था कि अचानक इसकी नज़र काले रंग की कार पर पड़ी। इसका दरवाज़ा खुला और इसमें एक सूट पहने एक आदमी और दो गार्ड खेतों की तरफ आने लगे। इस आदमी ने पूछा, यहाँ ग़ुलाम मोहम्मद का बेटा काम करता है? जी मैं हूँ ग़ुलाम मोहम्मद का बेटा, फरमाइए, अब्बास ने करीब आकर जवाब दिया। उस आदमी ने अब्बास से कहा, तुमने मेरी माँ समेत बहुत से इंसानों की जान बचाई है, इसलिए हमने फैसला किया है कि आप लोगों को हुकूमत की तरफ से एक अच्छा घर और एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी जाए। तुम्हारी तालीम मुफ्त होगी, मुल्क को तुम जैसे होनहार की ज़रूरत है। चलो हमें अपने वालिद से मिलवाओ। अब्बास बहुत खुश था कि अल्लाह पाक ने इसे इसकी अच्छाई का बेहतरीन सिला अता किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।